अरे यार, पार्ट वन में बोल तो दिया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ड्राइंग मैं कुछ यूनिक कलर से करूँगा, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस से कलर करूँ। एक काम करता हूँ, शोकेस में जाके देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं कलर के लिए। तो देखता हूँ कि क्या मिलता है मुझे। ये क्या है? ये शायद लिप बम होगा। इसका कलर क्या है देखता हूँ। ऑरेंज कलर? नहीं, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ये क्या है? ये शायद लोटस का लिपस्टिक होगा। ये भी नहीं चलेगा। क्या करूँ? ये क्या है? बोरोलिन। इससे कलर कैसे जाएगा? ये तो वाइट है। बेबीकॉल? नहीं, बेबीकॉल से भी नहीं चलेगा। बाद में कभी ट्राई करूँगा। अब देखता हूँ नीचे क्या है। और ये क्या है? ये आलता है। बंगाली में इसे आलता बोलते हैं। और देखो गाइस, इसमें भी बंगाली से मेरा नाम लिखा है। ये भी नहीं चलेगा, फिर कभी ट्राई करूँगा। ये क्या है? ये शायद कुछ कुछ है, समझ में नहीं आया। कॉस्मेटिक का कुछ होगा शायद। ये भी कॉस्मेटिक का ही है। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो क्या करूँ? किस से कलर करूँ? ये क्या है? सुपर बेसमॉल। हाँ, तो ऑयल बेस्ड हेयर कलर है। ठीक है, आज मैं इसे ही ट्राई करूँगा, इसे ही कलर करूँगा आज मैं। और वैसे भी ये तो घर में पड़ा ही रहता है, कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो इससे ही आज हम कलर करने का कोशिश करेंगे। तो एट लास्ट मुझे मिल गया सुपर बेसमॉल 33 केश कलर। तो चलिए इससे ट्राई करते हैं। ऑयल बेस्ड हेयर कलर है, नेचुरल है। तो देखता हूँ कि इससे कलर होता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है और ऐसा कुछ लुक आया है, आप देख सकते हैं। बुरा नहीं है, बहुत बुरा बना है, लेकिन
कलर ही ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहा था। अब देख सकते इधर अभी भी सूखा नहीं है, 2 घंटा हो गया है लेकिन अभी भी ये पोर्शन कुछ कुछ जगह ऐसा है कि अभी सूखा नहीं है। देखिए अब ऑयल जैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं ठीक से नहीं कर पाया कलरिंग, तो ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन सच कहूँ तो करने में बहुत मज़ा रहा था, जैसा भी हुआ करने में बहुत मज़ा आया। और मैंने सोचा था कि कलरिंग के लिए थोड़ा और मुझे हेयर कलर लगेगा, लेकिन जितना मैं डाला था उससे भी बच गया है। और देखिए इसका हालत क्या हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑयल पेस्टल ब्लेंडिंग वाला ट्यूटोरियल लाएंगे, तो वीडियो को मिस मत करना। टाटा बाय।